भारत के सबसे बड़े हथकरघा फैशन शो का 7 अगस्त को आयोजन होने जा रहा है। आयोजन का मुख्य उद्देश्य हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देना और लोगों को जागरूक करना है। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा शिरकत करेंगे। भोपाल में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर 7 अगस्त को हथकरघा फैशन शो का आयोजन होने जा रहा है। आयोजन में भारत के शीर्ष 100 फैशन डिजाइनर हिस्सा लेंगे। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को 8 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनाने की घोषणा की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य है हाथ से बने हुए वस्त्रों को बढ़ावा देना। फैशन डिजाइनर सव्यसाची सतपति ने कार्यक्रम के बारे में बताते हुए कहा कि हथकरघा दिवस पर लोग कई कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, लेकिन जब ऐसे कार्यक्रम एक साथ आयोजित होते हैं तो एक अलग अनुभव और विचार आते हैं। बट मेरा पेशा ये है कि मैं फैशन डिजाइनिंग करता हूँ और मैं उड़ीसा का हैंडलूम को रिप्रेजेंट करता आ रहा हूँ और मैं सारे हैंडलूम्स जो है इंडिया के उससे मैं बहुत प्रोत्साहित करता हूँ। तो जब मैं वर्ल्ड डिजाइनिंग फोरम से जुड़ा तब मैंने सोचा कि कोई भी कपड़े से कोई भी डिजाइन बना सकता है, आपके ड्रेसेस बन सकते हैं, हैंडलूम पीछे क्यों रहे। और जब हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश के नेता जो हैं, वो चाहते कि हैंडलूम आगे आए, तो हम लोग हैंडलूम पे ही क्यों काम ना करें। तो इसलिए मैं सिर्फ उड़ीसा के ही हैंडलूम नहीं, मैं जो जो बाहर हैंडलूम्स हैं उस सारे हैंडलूम को मैं पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे जितने डिजाइनर्स हैं वो सारे अपने अपने स्टेट के हैंडलूम्स दिखा रहे हैं और नेशनल हैंडलूम डे को हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला ऑर्गेनिक जो हमारा है, हमारे इंडियन हैंडलूम के हैं जो कि हमारे ऑर्गेनिक हैं और हाथ से बना जाता है। और बहुत सारे वीवर्स की जो प्रजाति है या फिर जो लोग करते हैं वीविंग, वो लोग खत्म होते आ रहे हैं, उनके फैमिलीज बाहर जाके काम कर रहे हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल रही है और हैंडलूम कम प्रोड्यूस होने के लिए जो बनता है बहुत कम बनता है, कभी बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि वीवर्स को भी यहाँ पे हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं कि ज़्यादा वीव करें ताकि वो कम दाम हर कोई उसे खरीदने लाए, सिर्फ वो फॉरेन एक्सपोर्ट ना हो बट हमारे इंडियन वेयर में भी वो आए। लोग जो भी आप लोग भी हैं, सब लोग हैं, सबके घरों में कुछ ना कुछ हैंडलूम का जरूर होना चाहिए। तो ये हमारी पहल है और रेडिसन में आप सब लोग का स्वागत है। आप लोग आइएगा, देखिएगा, मैंने भी कुछ किया हुआ है एमपी के फैब्रिक से, वो भी देख लीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो थोड़ा वाहवाही कर दीजिए। इस दौरान उद्यमी अंकुश अनामी ने कहा कि हथकरघा उद्योग की क्वालिटी पर हमें ध्यान देना चाहिए, ना कि हर चीज को आस्था से जोड़ना चाहिए जिससे कोई विवाद पैदा हो। आस्था देश के अंदर आज की डेट में ऐसी थोड़ा स्पष्ट रूप से इस बारे में कहना चाहूंगा। आप अगर अभी आप एक मूवी देखी होगी जिसके अंदर उसने भगवा कलर का एक कपड़ा पहन लिया था, बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया। तो आस्था आज कलर में भी है, हर एक आस्था अलग है और आपकी भगवान की आस्था अलग है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि इसको आस्था से जोड़ने का मतलब ये है कि अगर हमने इसको आस्था से जोड़ने की कोशिश करी तो हम पहले जवाबों में फंस जाएंगे। तो उससे बेटर है कि हम अपनी क्वालिटी को ज्यादा डेवलप करें, ठीक है ना। और आस्था के चक्कर में ही हमारे देश में बहुत सारी चीजें पुरानी हुई। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।